आज हम आपको बताएंगे कि पीपीएफ कितने किस्म का होता है, कौन सी गाड़ियों पे हो सकता है, सिर्फ नई गाड़ियों पे हो सकता है या पुरानी गाड़ियों पे भी हो सकता है। हम यूजली ये रिकमेंड करते हैं कि अव्वल तो जो ब्रांड न्यू गाड़ियाँ हैं उस पर कराई जाए। जिस तरह मोबाइल का प्रोटेक्टर है, बिल्कुल इसी तरह गाड़ी का ऊपर हम एक प्लास्टिक की शीट चढ़ाते हैं। गाड़ी जिस तरह पुरानी होती जाती है उसकी पेंट की लाइफ भी कम होती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं राहिल गिल और आप देख रहे हैं हमारी वेब। आज मैं मौजूद हूँ बबल्स कार केयर में और आज हम आपको बताएंगे कि पीपीएफ कितने किस्म का होता है, कौन सी गाड़ियों पे हो सकता है, सिर्फ नई गाड़ियों पे हो सकता है या पुरानी गाड़ियों पे भी हो सकता है, या पुरानी गाड़ियों की केयर करने के लिए, उनके पेंट को महफूज रखने के लिए, डैमेज होने से बचाने के लिए उन गाड़ियों पे क्या किया जा सकता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान सब्जवारी साहब, उनसे बात करेंगे और वो हमें पूरी डिटेल बताएंगे कि गाड़ियों को किस तरह से महफूज रखा जा सकता है। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पीपीएफ सिर्फ नई गाड़ियों पर होता है और कितने किस्म का होता है और सबसे अच्छी क्वालिटी वाला कौन सा होता है? बेसिकली पीपीएफ जो है एक फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह मोबाइल का प्रोटेक्टर है बिल्कुल इसी तरह गाड़ी का ऊपर हम एक जो है वो प्लास्टिक की शीट चढ़ाते हैं जिससे गाड़ी का पेंट जो है वो स्क्रैचेस से महफूज रहता है, उसका ग्लॉस शाइन मेंटेन रहता है और जो आम तौर पे जो स्क्रैचेस लग जाते हैं चाबी से या मोटरसाइकिल के हैंडल से या बच्चों के खेलने से, उनसे गाड़ी जो है वो महफूज रहती है। सबसे अच्छी अगर आप बात करें कि कौन सी फिल्म है, तो सबसे अच्छी फिल्म हम कहते हैं कि जो टीपीयू फिल्म्स हैं और उसमें सिरामिक, प्री सिरामिक कोटेड और सेल्फ हीलिंग फिल्म। सेल्फ हीलिंग से मुराद क्या कि हल्के फुल्के जो स्क्रैचेस होते हैं वो स्क्रैचेस जो है वो धूप की गर्मी से, या आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो गर्म पानी से, या हल्की सी हीट जब उसको मिलती है तो वो अपने आप को सेल्फ हील कर लेते हैं। और टीपीयू आम तौर पर अच्छा जो टीपीयू है वो 4 से 5 साल तक जो है वो येलो नहीं होता, इसलिए कि इस सेक्टर में जो सबसे बड़ा इशू है वो येलोनेस का है, क्रैक्स का है और जो है पेपर का अपनी जगह छोड़ने का है। तो जो अच्छा पेपर अगर आप पूछते हैं तो वो अच्छा पेपर वो है जो कि देर से पीला हो और उसमें क्रैक्स ना आए और वो अपनी जगह ना छोड़े। डस्ट प्रूफ होता है, सन हीट प्रूफ होता है, और क्या क्या प्रूफ होता है ये? बेसिकली जब आप गाड़ी के ऊपर आप पीपीएफ करवाते हैं तो उससे जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि एक तो स्क्रैचेस से गाड़ी सेफ रहती है, यानी कि स्क्रैचलेस हो गई गाड़ी, अ सॉर्ट ऑफ स्क्रैच, उसकी इम्पैक्ट की बेस वो कितना जोर का इम्पैक्ट है। आम तौर पे अगर हम मैं चाबी लेके सोनाटा के ऊपर अभी पीपीएफ हुआ हुआ है मैं इसके ऊपर ट्राई करूँगा तो इस ये उस स्क्रैच नहीं आएगा। और ऐसा भी है कि अगर जो मोटरसाइकिल का जो हैंडल है जो कि गाड़ियों के कराची के अंदर जैसे शहर में तो गुजरते हुए अक्सर मोटरसाइकिल के हैंडल से हमारे भाइयों से निशान लग जाते हैं तो उसकी वजह से हमें कई दफ़ा वो पैनल्स रीपेंट कराने पड़ते हैं जिससे हमारी गाड़ी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो उससे भी उस तक हमारा जो एक्सपीरियंस है वो उस हैंडल से भी जो है वो उसको भी वो ऑब्जर्व कर लेते बिल्कुल बचा लेती है उससे। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब एक सवाल बड़ा है, जैसे कि पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, ये अगर एक गाड़ी सेडान इतनी बड़ी गाड़ी आपके पास आ जाती है तो इसकी डिलीवरी टाइम कितना होता है कि इतने दिन में इसका हो जाएगा? ऑन एन एवरेज जो है हम 3 से 4 दिन जो है कस्टमर से हमें रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। बेसिकली इसमें जब गाड़ी हमारे पास आती है तो इसके जो कुछ कंपोनेंट्स हैं लाइक डोर हैंडल, साइड व्यू मिरर्स, इसकी जो वेदर स्ट्रिप्स हो गई, बैक लाइट्स हो गई, इसके जो लोगो मोनोग्राम्स हो गए, उन सबको हम रिमूव करते हैं। वो रिमूव करने के बाद हम इस पर मल्टीपल स्टेज पॉलिशिंग करते हैं। उस पॉलिशिंग के करने के बाद फिर हम इसके ऊपर पीपीएफ की एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन के बाद फिर इसके पार्ट्स वापस इसमें रीइंस्टॉल होते हैं। उसके बाद इसकी जो अलाइड कोटिंग्स हैं लाइक ट्रिम्स की, प्लास्टिक ट्रिम्स की कोटिंग हो गई, डैशबोर्ड, लेदर, अलॉय व्हील्स, टायर्स, इन तमाम कोटिंग्स को करके और फिर उसको फाइनलाइज़ करते हैं। तो इस तमाम प्रोसेस में 3 से 4 दिन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। तकरीबन अगर आप कोई नई गाड़ी लेता है तो आपके पास 3 से 4 दिन उसको छोड़नी पड़ेगी दिल पे पत्थर रख के। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि जैसे गाड़ियां जो है लोगों के पास 4 साल 5 साल पुरानी भी होती हैं या इस तरह से कह लें कि 5 साल से पुरानी गाड़ियों की, लेकिन वो होती बिल्कुल एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, उनका पेंट उसका ओरिजिनल होता है, सब कुछ ओरिजिनल होता है, तो उस पर भी ये करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? हम यूजली ये रिकमेंड करते हैं कि अव्वल तो जो ब्रांड न्यू गाड़ियाँ हैं उस पर कराई जाए, या दो तीन साल पुरानी गाड़ी अगर आपकी ऐसी है कि उसके ऊपर कोई मेजर स्क्रैचेस, उसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं है, कोई उसके ऊपर हेयर लाइन स्क्रैचेस के अलावा कोई माइनर डिंपल्स या डेंट्स नहीं है, तो ऐसी सूरत में तो हम उसको समझते हैं कि उस पर हम पीपीएफ कर सकते हैं। पर गाड़ी जिस तरह पुरानी होती जाती है उसकी पेंट की लाइफ भी कम होती है और उसमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसके ऊपर स्क्रैचेस आ चुके होंगे और वो बाज़ दफ़ा पेंट करेक्शन से भी वो स्क्रैचेस नहीं जाते,
तो इसलिए हम आम तौर पे लोगों को ये एडवाइस करते हैं कि अगर जो है वो 4-5 साल पुरानी गाड़ी भी है और अच्छी कंडीशन में है तो उसके ऊपर कराएं, अदरवाइज हम उस पर एडवाइस करते हैं कि आप PPF ना कराएं, बल्कि उसके को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सिरामिक कोटिंग कर सकते हैं, बट सिरामिक कोटिंग अगेन वो गाड़ी का ग्लॉस को इन्हांस करेगी, उसकी मेंटेनेंस जो है वो इजी बना कर देगी, लाइक उसकी क्लीनिंग आसान होगी और हाइड्रोफोबिक हो जाएगी गाड़ी, और जो है वो जो धूप की जो UV रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, उससे गाड़ी को उससे बचा लेगी। जो सिरेमिक कोटिंग है वो येलो जल्दी हो जाता है या उसका भी इतनी ड्यूरेशन है? ये बेसिकली सिरेमिक कोटिंग जो है वो बेसिकली वो तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 बेस्ड वो कोटिंग्स हैं, उसके अंदर येलोनेस का कोई इशू नहीं होता, पर सिरेमिक कोट की भी है गाड़ी आपकी और आप उसको अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, ड्राई डस्टिंग अवॉइड कर रहे हैं, माइक्रोफाइबर्स को यूज़ कर रहे हैं, डिटेलर स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने आपका जो भी जो आपका डिटेलिंग पार्टनर है उसके पास उसको रेगुलर विजिट्स करा रहे हैं, तो हमारा अपना एक्सपीरियंस ये है कि अगर ये तमाम केयर कर रहे हैं तो उस सूरत में भी गाड़ी का ग्लॉस शाइन जो है वो सिरेमिक कोटिंग में भी मेंटेन रहता है। अच्छा, अब एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट खड़ा होता है कि भाई ये वाली गाड़ी है या सेडान कोई भी इतनी बड़ी गाड़ी, उसके ऊपर एक रफली या कितनी कॉस्टिंग आ जाती है या उसको कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है? सबसे पहले तो बात समझने की ये है कि ये एक महंगी प्रोडक्ट है, अच्छा TPU बेस्ड सेल्फ हीलिंग और प्री सिरेमिक कोटेड जो आपका PPF है वो महंगा होगा। अच्छा, कुछ लोगों के पास होती है बिल्कुल नई गाड़ी ले ली, छोटी गाड़ी, अब छोटी गाड़ी ले ली जैसे ऑल्टो हो गई, इसमें मीरा आ गई, इसमें 660 cc बेशुमार गाड़ियाँ आ गई, पिकांटो आ गई, इस सेगमेंट की गाड़ियाँ, तो इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए कोई स्पेशल आपके पास चीज़ है कि भाई इतने में हो जाएगा या रफली समवेयर अराउंड इस ब्रैकेट के बीच में आपकी गाड़ी हो सकती है? कोई भी मेरे ख्याल से सस्ती गाड़ी तो इस वक्त अवेलेबल है नहीं, जिस तरह ओवरनाइट गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ रही हैं, हर किसी की जो है ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करे, तो ऐसी सूरत में जो छोटे गाड़ियों का सेगमेंट है 660 cc या जो 800 cc की जो गाड़ियाँ हैं उसके लिए हमने एक स्पेशली अपना एक पैकेज डिज़ाइन किया है, वो बजट पैकेज है और वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव पैकेज है, प्लस जो नॉन PPF पार्ट्स हैं उसके ऊपर हम सेरामिक कोटिंग करके दे रहे हैं, तो एक बहुत अच्छे मुनासिब बजट के अंदर बहुत अच्छे लेवल की हाई लेवल की प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो भी बंदा यहाँ पर आता है वो आपसे कहता है कि जी मुझे गाड़ी ये आपने पूरी PPF करके देनी है और इसमें ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ऐसी चाहिए, और वो कहता है मुझे अंदर की चीज़ें भी कर दें, डैशबोर्ड कर दें, स्टेयरिंग कर दें, तो वो भी हो जाती? जी बिल्कुल, इसमें हमारे पास इसके ऑप्शंस भी मौजूद हैं कि हम डैशबोर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, गाड़ी के लेदर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो इसके जो अलॉय रिम्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लास्टिक के जो एक्सटीरियर बॉडी पे ट्रिम्स हैं उसकी लाइफ को इन्हांस करने के लिए हमारे पास बिल्कुल कोटिंग्स मौजूद हैं, और कुछ हमारे PPF के पैकेजेस ऐसे हैं कि उसका पार्ट हैं ये कोटिंग पार्ट में जी, उसी के अंदर ही आ जाता है, पैकेज में ही पैकेज। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जरूर आपको पसंद आई होगी और PPF से रिलेटेड यानी कि पेड प्रोटेक्शन फिल्म या आप कह लें कि गाड़ी के ऊपर जो आजकल कोटिंग्स हो रही हैं उसके रिलेटेड हमने जितनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकते थे कि नई गाड़ियों पे कौन सा करवाना चाहिए, पुरानी गाड़ियों पे कौन सा करवाना चाहिए, किन गाड़ियों पे नहीं करवाना चाहिए और इसकी लाइफ कितनी है, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की, उम्मीद करते हैं जरूर आपको पसंद आई होगी। अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप बबल्स कार केयर पे आके करवा सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूँ आप हमारी वेब को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं हूँ राहिल गिल, खुदा हाफिज़।